नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सब मिलकर श्रवण करेंगे माता महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। अगहन मास गुरुवार के दिन हम विधि विधान से माता महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत धारण करते हैं। इस व्रत में हमें माता महालक्ष्मी जी की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। अगहन मास गुरुवार माता महालक्ष्मी जी की कथा का श्रवण या पाठन करने से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माता महालक्ष्मी जी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। श्री महालक्ष्मी माता जी के अनेक रूप तथा अनेक नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदंब वन में कदंबमाला, राजप्रासाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से जानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की यह कथा हम श्रवण करेंगे। सबसे पहले माता महालक्ष्मी जी की वंदना करते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही प्रतापी राजा थे। चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया, हाथ में लाठी लिया, लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई, इनसे इनका नाम, धाम, काम तथा धर्म पूछ डाला। ब्राह्मणी रूप धारित माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में लड़ाई झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इस बात से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों पर लोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई हैं। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई। राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए उनके द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का यह रूखा व्यवहार देखकर
और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा। वहां से वह चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को अपनी सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता जी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के विषय में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधर से उनका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और उसको अपना हाल बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। तब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं। दासी दौड़ कर जाकर रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका बहुत ही खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई कि श्यामबाला ने अपने पिता को कोयला भरा हुआ घड़ा दिया था और कुछ तो नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उनके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उन्होंने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बना दिया और परोस दिया। पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का स्वादहीन लग रहा था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन फिर से स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है, इस तरह से जो कोई भी श्रद्धा भाव से श्री माता महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उनकी कथा का श्रवण करे और व्रत धारण करे, उसे सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता जी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को पूजा, व्रत तथा पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा से भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी जी की जय। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नत शिर बारंबार। यही मोर अरदास है, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करूं सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता मैं सुमिरौ तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा,
तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जय जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनमो नित्य तुम्हें महतारी, कृपा करो जग जननी भवानी। कहि विधि अस्तुत करो तिहारी, सुधि लीजै अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रतन सिंधु में पायो। 14 रतन में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बन दासी। जब जब जन्म जहां प्रभु लीना, रूप बदल तह सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहलो महिमा करो बखानी। मन क्रम बचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजि छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल मैं कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्ति हीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहु विधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कहू नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजै, संकट काटी भक्ति मोहि दीजै। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजै दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कही प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कही पुकारी, करो दूर तुम विपति हमारी। त्राही त्राही दुख हारिणी, करो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धर ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निसदिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी।
तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सदगुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए माता महालक्ष्मी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय, हर हर महादेव।